फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो ऐसे लग रहा है कि यूके ने भी जो है इंडिया का सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और ट्रूडो की जो है वहां पे अब ऐसा लग रहा है कि उनकी बजा रहे हैं। धीरे धीरे यही होगा कि प्रूफ तो सारे देश मांग ही रहे हैं और अगर ये प्रूफ नहीं देंगे जल्दी तो बहुत मुसीबत में फंसेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत को घेरते हुए कूटनीतिक तौर पर अकेला करने की जस्टिन ट्रूडो की नीति अब बुरी तरह से नाकाम होती नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे भारत अब कनाडा के साथ बिल्कुल भी व्यापार नहीं करना चाहता और एक एक करके सारी डील उसे तोड़ रहा है। तो वहीं पर कनाडा के सबसे नजदीक देश में से एक ब्रिटेन ने कनाडा को फटकार लगाई और ब्रिटेन भारत के साथ अपनी सारी व्यापार वार्ता जारी रखेगा। इतना ही नहीं बल्कि दोनों देश अपने व्यापारिक संबंधों को नए स्तर पर ले जाने की योजना पर भी तेजी से काम करते रहेंगे। दरअसल दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटेन के साथ बातचीत करके भारत को अकेला करने की कितनी ही कोशिश कर ली लेकिन ऋषि सुनक की लीडरशिप में ब्रिटेन कनाडा की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ये बात खुलकर कही कि कनाडा भारत पर जो भी आरोप लगा रहा है उससे ब्रिटेन और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को सक्रियता से आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध बनाए रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कनाडा की एक काफी बड़ी कूटनीतिक हार और जस्टिन ट्रूडो की एक और किरकिरी कहा जा रहा है क्योंकि भारत से फटकार खाकर जाने के बाद वे जानबूझकर कोशिश कर रहे थे कि भारत को कूटनीतिक तौर पर अकेला किया जा सके। इसके लिए जस्टिन ट्रूडो अमेरिका ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे नजदीकी देशों पर भरोसा कर रहे थे लेकिन अब ऐसा लगता है कि सभी देश भारत की कूटनीतिक ताकत के आगे कनाडा को अकेला छोड़ रहे हैं क्योंकि कनाडा के पीएम की बातें है ही ऐसी जिस पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता। ऐसे में ब्रिटेन की तरफ से खुलकर ये बात कहना कि वे कनाडा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें अनदेखा कर रहे हैं और वे भारत के साथ अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को जारी रखेंगे जो लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है ये बात साफ करती है कि कनाडा बुरी तरह से अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं पर आपको याद होगा कि भारत ने कनाडा को सजा देने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सारी बातचीत बंद कर दी है। अरे किसने बंद किया, मैं तो कंफ्यूज हूं। व्यापार समझौता नहीं करना चाहते। कनाडा ने वहीं पर आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पीएम मोदी को ब्रीफ किया है और बताया है जो भी भारत और कनाडा के बीच में विवाद चल रहा है। इसके अलावा भारत ने कनाडा के राजनयिक को मात्र 4 मिनट के अंदर ही देश से बाहर जाने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी। 5 दिन के बाद अगले दिन गुस्से में बाहर निकले और अपनी गाड़ी में जाते हुए दिखाई दिए जो ये बात अपनी डिप्लोमेट के साथ हुए बर्ताव का बदला लेने के लिए कनाडा के साथ टिट फॉर टैट की नीति अपना रहा है। कहना चाहेंगे कि इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर भारत अगले कुछ समय में कनाडा में मौजूद भारतीय छात्रों को एक एडवाइजरी जारी करे जिसमें हम कनाडा में पढ़ रहे सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित रहने और ध्यान रखने की बात करें क्योंकि कनाडा के अंदर खालिस्तानी गतिविधियां तेजी से बढ़ती जा रही है और भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से वहां मौजूद आम भारतीयों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होते हैं जिसकी वजह से अगर भारत एडवाइजरी रिलीज करता है तो इससे कनाडा पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हमने आपको ये तो बताया कि ब्रिटेन कैसे कनाडा का साथ छोड़ चुका है लेकिन अब आप पूछेंगे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दें। दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भारत और कनाडा के बीच चल रही कूटनीतिक तनाव के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपने रिपोर्टर को खुद कह दिया कि आपको शांत रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने हरदीप सिंह की हत्या वाले मामले पर कोई भी ओपिनियन नहीं दिया जो ये बात साफ तौर पर दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें इस बात का अंदाजा है कि भारत चीन के खिलाफ उनकी सुरक्षा में कितना महत्वपूर्ण पार्टनर है। इसीलिए वे अपने से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद एक देश की वजह से भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते जो कि हमारे लिए कूटनीतिक तौर पर काफी बड़ी जीत है। ऐसे में सिर्फ अमेरिका ही है जिसने कनाडा का थोड़ा समर्थन करते हुए ये बयान दिए कि वे कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए एलिगेशन को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और कनाडा की सरकार के साथ नजदीकी से काम करेंगे ताकि इस मामले की तह तक पहुँचा जा सके। पर अमेरिका की तरफ से इस तरह के बिहेवियर
कोई नया नहीं है। अमेरिका अक्सर ही मानव अधिकार समेत दूसरे मुद्दों पर भारत या दुनिया के हर देश पर बयानबाजी करता रहता है, जिसे लेकर भारत भी अमेरिका को कई बार चेतावनी दे चुका है। लेकिन अमेरिका भी कनाडा का उस तरह से समर्थन नहीं कर रहा जैसे कनाडा चाहता था। कुल मिलाकर बताने की कोशिश करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से अपनी किरकिरी कराते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर खालिस्तान का। कनाडा हर मामले में भारत के सामने हारता दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह के रिलेशन भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के आपस में है, क्या आपको लगता है कि कनाडा की वजह से इसमें भारत और इनके रिलेशन में दरार आ सकती है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। बाय। कोई भी दूसरे देश जो हैं, जो इतना कोशिश कर रहे हैं इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स करने की, वो कनाडा की वजह से रिलेशनशिप्स ख़राब नहीं करेंगे। वो उनको, कनाडा को बस यही बोलते रहेंगे, पहले सबूत दिखाओ। और अगर ये पहले तो ये सबूत दिखा नहीं पाएंगे, और अगर इन्होंने दिखा भी दिए तो भी ये दूसरे देश कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही काम करते हैं दूसरे देशों में जब उनको दिखता है कि उनके देश के अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंसान जो है वहाँ पर बैठा हुआ कुछ कर रहा है। तो वो भैया इंडिया, और तुम कुछ भी कर लो, इंडिया ने जो करना है वो करना है। अब वो इंडिया नहीं है कि किसी के प्रेशर में आएगा या दबाव में आएगा। अगर मैं ये सोच रही थी इस पूरे वीडियो के टाइम कि अगर सोचो ये 15 साल पहले हुआ होता ऐसा कुछ, तो इंडिया तो ऐसा स्टैंड लेता ही नहीं, कुछ भी नहीं किया होता, और बाकियों के प्रेशर में आके, कनाडा के प्रेशर में आके बल्कि और मतलब चुप रहता और उस टाइप से करता। पर देखो कितना अच्छा टाइम आया है हमारे ज़िंदगी में कि ऐसी गवर्नमेंट है कि किया नहीं किया, बट जवाब जो कनाडा के को दे रहे हैं दैट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। और एक मैसेज आ रहा है सारे लोगों को, सारे वर्ल्ड को, कि भैया अगर तुमने इंडिया के अगेंस्ट किसी इंसान को अपने देश में पनाह दी और वो वहाँ पे रहकर हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, इसमें सब जगह एक ही पॉइंट बार बार आ रहा है कि कनाडा को उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना वो सोच रहा था उनके एलाई से मिलेगा। सब शायद उन लोगों ने कुछ जल्दबाजी कर दी एनडीपी के प्रेशर में आके, कि जब तक तुम्हारे पास पूरा प्रूफ नहीं था, कोई जल्दबाजी में तुमने ये सब करना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद एनडीपी ने कोई डेडलाइन दी होगी उनको। अब इशू ये है, सारे एलआई चाहते हैं कि उनकी रिलेशनशिप इंडिया से ख़राब ना हो, उनके अपने ट्रेड रिलेशन्स हैं। कोई नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हम अपना लॉस करें। एग्जैक्टली। यूके नहीं चाहता, ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता, यूएस नहीं चाहता, कोई चाहता नहीं है कि उनका अननेसेसरी रिलेशन ख़राब हो जाए तुम्हारी वजह से। इसलिए जितने भी एलाइज हैं वो पहले पूछेंगे प्रूफ दिखाओ। प्रूफ अगर तुमने नहीं है तुम्हारे पास, तो हम कुछ नहीं करने वाले जब तक तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। अगर मान लो किसी तरीके से वो प्रूफ भी दिखा सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रूफ होता है, कॉन्क्रीट प्रूफ होता है, जबकि पॉसिबल नहीं है, तो सभी लोग, इंडिया तो काउंटर यही करेगा कि तुम्हारे ऑपरेशंस जो तुम करते हो हमारे देश में उसका क्या, राइट? मेरे ख्याल से मिस्टर ट्रूडो को काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। फ्यूचर में पता लगेगा कि उनकी क्या वोट, जब दोबारा इलेक्शन होते हैं, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि हर जगह जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ मोस्टली 50-50 के मार्जिन। ऐसा नहीं होता जैसे इंडिया में मोदी जी बहुत ज़बरदस्त मार्जिन से जीतते हैं, यहाँ पे इतने मार्जिन से कोई नहीं जीतता। आधे लोग मोस्ट लाइकली 55 और 30, मतलब इस टाइप से बहुत ही कम होता है मार्जिन। तो देखेंगे क्या होता है, बट आई थिंक इस बार शॉक लगा होगा कनाडा को कि एलाइज उसके साथ नहीं आ रहे। बिल्कुल। और जैसे जैसे और शोर मच रहा है कि भैया प्रूफ दो, ये और बुरा फंस रहे हैं, क्योंकि प्रूफ के बिना ये एक्शन लेके इन्होंने जो गलती की है ना, अब उस गलती का सुधार ये कर नहीं सकते, और उस बौखलाहट में ये और गलतियां करते जाएंगे, अपनी सिचुएशन और ख़राब करते रहेंगे। क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई है कि इन्होंने ट्रैवल वार्निंग कर दी है इंडिया के कुछ एरियाज़ के लिए, तो इंडिया ने जवाब में ट्रैवल वार्निंग कर दी हमारे स्टूडेंट्स की, भैया केयरफुल रहना यहाँ पर, जब तुम रह रहे हो जो कैनेडा गए हुए, तुम थोड़ा कॉशन रखो, क्योंकि अब सिचुएशन जो है ठीक नहीं है। तो बस वही चलेगा, और या तो ये अब बैक ट्रैक कर, फंस गया ट्रूडो, बैक ट्रैक कर नहीं सकता, प्रूफ है नहीं, पता नहीं इसका क्या। और अगर कनाडा में कुछ वायलेंस होता है अगेंस्ट इंडियंस
और इंडियन ओरिजिन के लोगों के साथ तो बड़ी प्रॉब्लम होने। न्यूज में आया 25 सितंबर को ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंडियन कॉन्सुलेट के सामने कनाडा में ये जो है कुछ करेंगे, के जैसे कहते हैं कोई वायलेंस हो गया तो कनाडा, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने वहां पे भी अपने जो एम्बेसी में लोग हैं उनको बोला है कि थोड़ा तुम अपना बहुत ध्यान रखो क्योंकि न्यूज आ रही है कि इनका इरादे ठीक नहीं है, कुछ हिंसा विंसा भी हो सकती है। तो सिचुएशन खराब हुई तो और इनके यहाँ पड़ेगा, इनको फिर तो पूरे वर्ल्ड से इनको सुनने को मिलेगा। अपने कमांडोज भेज सकते हैं वहाँ पे। हाँ, करेंगे फिर जो करना पड़ेगा हम करेंगे। ये आज का इंडिया है, बहुत प्राउड फील होता है ये सब देखकर कि अपना इंडिया अपना स्टैंड पे डटा हुआ है। वेरी नाइस। तो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।